व्हेन वाज रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन पब्लिश्ड। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी ये कब पब्लिश हुई थी भाई, ये मई 1930 में पब्लिश हुई थी और इसके दो वॉल्यूम्स थे, ठीक है, दो वॉल्यूम की रिपोर्ट थी ये, टू वॉल्यूम्स इसके आए थे। मई 1930 में ये पब्लिश हुई है साइमन कमीशन की रिपोर्ट और इसके वॉल्यूम कितने थे, दो। अब इसके मुतालिक भी मुख्तलिफ क्वेश्चंस बेटा जी वो आपसे पूछ सकता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। नंबर वन तो आपसे वो पूछ सकता है कि ये जो साइमन कमीशन था इसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट कब किया था, ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट कब किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नवंबर 1927 में इसको अपॉइंट किया गया, नवंबर 1927 में हो गया भाई अपॉइंट, पहला सवाल जो आपसे बार बार पूछा जाएगा। दूसरे नंबर पर भाई ये इंडिया के अंदर इसका अराइवल कब हुआ है, यानी इंडिया के अंदर ये कब पहुंचा, ये भी आपसे बार बार पूछा जाएगा। ये पहुंचा था आपका 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था, 3 फरवरी 1928 को ये इंडिया में जनाब पहुंचे, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन भी आपसे इसके मुतालिक पूछा जा सकता है कि जब ये साइमन कमीशन हिंदुस्तान के अंदर आया था उस वक्त वायसराय कौन था इंडिया का, इंडिया का वायसराय उस वक्त था लॉर्ड इरविन, ये भी आपसे पूछा जाएगा, लॉर्ड इरविन उस वक्त था इंडिया का वायसराय। अब मेरा आपसे एक सवाल यहाँ पर बेटा ये है कि उस वक्त यूके का पीएम कौन था, जब ये साइमन कमीशन इंडिया में आए उस वक्त यूके का पीएम कौन था, ये मेरा आपसे सवाल है। तो देखो मैंने कितनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी, साइमन कमीशन में इससे बाहर इंशाल्लाह सवाल नहीं आएगा। साइमन कमीशन के टोटल मेंबर्स कितने थे, ये भी मेरा आपसे एक क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चंस आप मुझे बताएंगे, साइमन कमीशन के टाइम यूके का पीएम कौन था और साइमन कमीशन में टोटल मेंबर्स कितने थे। एक और बड़ा मशहूर सवाल पास्ट पेपर्स में बार बार आया हुआ, साइमन कमीशन के अंदर क्या कोई इंडियन मेंबर शामिल था, क्या हिंदुस्तानियों को इसमें अलाउ किया गया था या नहीं किया गया था, ये भी आपसे मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं किस किस को ये सवाल आता था, ये पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन थे इसलिए मैं यहाँ पर इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। पहला सवाल जी साइमन कमीशन को अपॉइंट कब किया गया,